वहीं निगम भिलाई क्षेत्र के जर्जर हुई सड़कों की खबर लगातार हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, जिसका व्यापक असर निगम प्रशासन पर पड़ा है और अब निगम प्रशासन द्वारा उन क्षतिग्रस्त सड़कों को संधारित किया जा रहा है जहां हर समय दुर्घटनाएं हुआ करती। हमारे ग्रैंड एशियन चैनल पर लगातार पूरे शहर भर के खस्ताहाल सड़कों की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, जिसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और इन जर्जर सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की खबर से निगम प्रशासन ने इसकी सुध ली और अब पूरे निगम क्षेत्र में ऐसे रोड रास्ते जो दुर्घटना जगन्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गए थे उनमें पैच वर्क के माध्यम से और जहां जरूरत ज्यादा है वहां सड़कों का पुनर्निर्माण करके शहर भर के अंदरूनी हिस्सों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं संज्ञान में आया था और एक्चुअल में स्थिति का सर्वे जो है विजिट माननीय महापौर जी के निर्देश पर भी हुआ है और इसमें जो है जो बातें सामने आई थी कि कितनी सड़कें ऐसे हैं जिनको डैमेज हैं, जहां पे हमको पेच रिपेयर की ज़रूरत है, जहां पे डामरीकरण की ज़रूरत है, जहां पे सीमेंटीकरण की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ऐसे सभी रोड का सर्वे कर लिया जाए कि जिस पे हम जो भी उसमें चाहे रिपेयर का काम हो, आवश्यकता हो तो रिपेयर कर पाएँ, जहां नवीन सड़क का निर्माण हो तो वहां सड़क का निर्माण कर पाएँ, जहां पेच वर्क की ज़रूरत हो वहां पेच वर्क कर पाए। तो इस तीनों चारों स्थिति को देखते हुए वहां पर का जो सर्वे था वो कम्प्लीट कर लिया गया। कम्प्लीट करने के बाद में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है और जहां जहां पर जैसे ऐसी दिक्कतें थी और गंभीर दिक्कतें थी उनको सुधारने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह है कि बारिश आने की संभावना जो है उसके पहले पहले जो भी ऐसे काम हो सकते हैं जो सड़कों को लेके हो सकते हैं वो करने का प्रयास करेगा। निगम प्रशासन के इन कार्यों के लिए शहर भर की जनता ने निगम प्रशासन का हृदय से आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।